सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आप लोग देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में 2% के करीब हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि पीछे स्टॉक में काफ़ी शानदार पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए नजर आए थे। भाई आप लोग देखोगे पीछे जो तेजी बनी थी उसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा एक खबर आई थी ब्लैक रॉक के साथ। आप लोग देखोगे एसेट मैनेजमेंट्स को लेकर जो भी इनका डील हुई थी, जो भी इनका जॉइंट वेंचर हुआ 50-50 का, ठीक है, उसके बाद जो स्टॉक है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा, बिल्कुल फोकस में रहा और इसका पॉजिटिव संकेत हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वो अपडेट थी जो कंपनी ने आई थिंक 15 तारीख को ये बता दिया था। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म्स जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक टू सेटअप ए वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग कंपनी। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजमेंट और जो ब्रोकिंग कंपनी है वो आप लोग देखोगे दोनों की दोनों मिलकर सेटअप करने जा रही है। उसका 50-50% का इसका जो ना दोनों का रहेगा इसके अंदर हिस्सा। ये तो होगा अभी बिजनेस को लेकर। वैसे काफ़ी टाइम पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया था ब्लैक रॉक के साथ इस डील को लेकर या फिर इसे समझौते को लेकर, बहुत पहले अनाउंस हो गया था भाई, ठीक है, कि दोनों कंपनियां मिलकर जो ना अभी ब्रोकिंग जो कंपनियां वो इंडिया के अंदर चलाएंगी, वो एक बड़ा जो ना अभी इसके अंदर टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद आप लोग देखोगे भी एक और बड़ी अनाउंसमेंट हो रखी है क्या बोलते जियो को लेकर। वो क्या है, जियो फाइनेंशियल को लेकर, वो है अभी म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस, ठीक है। उसके लिए आप लोगों से भी से बातचीत चल रही है और म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस भी अगर इसको मिल जाता है तो इस बिजनेस में कंपनी की एंट्री हमें देखने को मिलेगी। और इसीलिए तो आप लोग देखोगे भाई ये जो मोटा भाई है, ठीक है, अनिल मुकेश अंबानी जी है, इन्होंने तभी तो ये बिजनेस सेपरेट किया है अपने जियो का जो बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस अपना अलग किया है किससे, रिलायंस इंडस्ट्री से। तो इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री अगर है आपकी तो लॉन्ग टर्म के लिए चलिए, 8-10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, हो सके इतना लंबा चलने की कोशिश करना भाई, ठीक है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आज आपको पता होगा अभी गिरावट क्यों आई है। आज आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आने हैं भाई आज के दिन, सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया जिसकी वजह से मार्केट में एक हैवी करेक्शन देखने को मिला है, तो ये कारण रहे हैं अभी गिरावट के पीछे। तो इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है वही सबसे बड़ा कारण है पूरी मार्केट में करेक्शन का। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, ब्रेंट क्रूड के भी आप लोग देखोगे वहाँ पर अगर दाम बढ़ेंगे तो भी देखो मार्केट में गिरावट के माहौल बनेंगे, ठीक है। तो ये कारण रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे अब आगे कैसे माहौल बनेंगे वो जानेंगे भी रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट्स देखो भाई अब तक तो इसके आए नहीं है, रिजल्ट्स जैसे आएंगे सबसे पहले आपको चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। रिजल्ट्स को लेकर बहुत कमेंट आ रहे हैं कि रिजल्ट्स आ गए हैं, कब आएंगे, तो भाई देखो जैसे रिजल्ट आएंगे ना सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग 384 का इसका हाई है, बाउंड वीक हाई, और वहाँ से जो स्टॉक अभी के टाइम 368 पर ट्रेड कर रहे हैं और रिजल्ट्स बहुत तगड़ा जो ना भी रोल अदा करेगा आगे इसके 400 रुपये प्लस निकलने के लिए। और एक बार 400 प्लस निकला तो ये जो स्टॉक है वो आपको ऊपर में 700 रुपये तक के मूव दिखा सकते हैं इस साल के दौरान, ठीक है, यानी कि 100% तक के रिटर्न स्टॉक में मिलने की संभावना हो सकती है भाई। रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए उस कंडीशन में, तो रिजल्ट्स की अपडेट सबसे पहले चैनल पर आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। पीछे के रिजल्ट्स इसके ठीक आए थे भाई और बाकी देखेंगे अब के बार के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। और चलिए अब देख लेते भी इसके एक बार चार्ट वहाँ पर क्या कुछ सपोर्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक का भाव अभी के टाइम 370 के आसपास है, रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी, तो 353 का सपोर्ट है नीचे में, इसके ऊपर काम करना भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है उन निवेशकों के लिए है, ठीक है। या फिर आप लोग देखोगे बीच का जो 363 का सपोर्ट है, ठीक है, या ये जो इसका 100 EM है ना भाई, इसे आप लोग सपोर्ट के तौर पर पकड़ के चलिए। स्टॉक अभी भी आप लोग देख स्ट्रांगली अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो भी एक जबरदस्त मूव स्टॉक में बना है, काफ़ी अच्छी बात है भी, काफ़ी शानदार मोमेंटम स्टॉक में रहे हैं, ये आपको देखने को मिले अभी 2024 के दौरान, ठीक है। और आगे स्टॉक के टारगेट बहुत अच्छे आने की संभावना है, इसलिए देखो भाई रिस्क नहीं लेना है। रिजल्ट से पहले आपको अगर सपोर्ट लेके चलना चाहिए तो वो रहेगा भी नीचे में 363 का, ठीक है। तो रिजल्ट्स अगर अच्छे आते तो उस कंडीशन में यहाँ से स्टॉक में बाउंस बैक, और रिजल्ट अगर खराब आए तो ये लेवल नीचे में फिसल सकते हैं और स्टॉक 353 तक के मूव हमें दिखा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।